आई स्टिल रिमेंबर द डे आई वॉज एट अ कॉफ़ी शॉप एंड आई हैड एन एग्जाम नेक्स्ट डे। मैं अक्सर स्टडीज़ वगैरह के लिए कॉफ़ी शॉप चले जा करता था, लेकिन दो दिन पहले मेरे साथ किसी दिन एक ऐसा इंसिडेंट किया था कि मैं किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था, मेरा किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं लग रहा था। मेरे दिल में उस शख्स के लिए इतना ग्रश था कि मैंने सोच लिया था मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगा। माफ़ तो बहुत दूर की बात है, मैंने ये तक सोच लिया था कि मैं कभी भी उससे नहीं मिलूँगा जाके। बट आई डोंट नो व्हाई मैंने कॉपी निकाली, एक पेंसिल निकाली और मैंने एक लिस्ट बनाई जिस जिसके लिए मेरे दिल में ग्रजेस थे। मैंने उन सबका नाम लिखा एंड ग्रेजुअली मैंने सबको माफ़ करना स्टार्ट किया कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया था इसको माफ़ कर देते हैं, इसने मेरे साथ ये किया था इसको भी माफ़ कर देते हैं। माफ़ करते करते बीच में दो तीन नाम ऐसे आए कि मेरा पेन रुक गया, मैं माफ़ ही नहीं कर पाया। आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ, मैंने अपने आप को फोर्स किया। एट दी एंड अल्लाह के लिए सम हाउ मैंने उनको माफ़ कर दिया एंड बिलीव मी आफ्टर दैट आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट सो लाइट। मुझे लगा किसी ने मेरे ऊपर से एक्स्ट्रा बैगेज हटा दिया, मुझे लगा था किसी ने मेरे शरीर पर एक एक्स्ट्रा बोझ रखा हुआ था, किसी ने वो बोझ हटा के साइड पर रख दिया। मुझे आज तक उस कॉफ़ी शॉप की उस कॉफ़ी और उस डोनट का इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा मुझे लोगों को माफ़ करने के बाद आया। उस दिन मुझे वाकई अंदाज़ा हुआ कि इंसान लोगों को दूसरों के लिए माफ़ नहीं करता, इंसान लोगों को अपनी रिलैक्सेशन के लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए माफ़ करता है। होता ही है कि छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम लेके बैठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और ये नाराज़गी सिर्फ हमारे तक नहीं रहती, हमारी नस्लों तक चलती है। कज़न्स आपस में नहीं मिलते क्योंकि उनके पेरेंट्स आपस में नहीं मिलते। माफ़ करना सीखिए, अल्लाह के लिए माफ़ करना सीखिए। आई नो इट्स नेवर ईजी, यू नीड टू टेम योर सोल, यू नीड टू टेम योर हार्ट, यू नीड टू टेम योर माइंड, बट एट दी एंड माफ़ करने वाला कभी भी छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा ही होता है।